नमस्कार, मैं हूं मालविका और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। एक नजर डालते हैं आज के दिन भर के कुछ मुख्य खबरों पर। पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती। फुलबाड़ी आमबाड़ी कैनल रोड के छोबाबीता इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में महिला सहित दो की मौत। स्कूटी से सड़क पार करते समय पिकअप वैन ने मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में सड़क की हालत जर्जर। सड़क मरम्मत की मांग में स्थानीय लोगों के साथ भाजपा के 8 नंबर मंडल कमेटी ने किया प्रदर्शन। भारत नेपाल सीमा पर खोड़ीबाड़ी के पानी टंकी स्थित मेची नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, घटना की जांच में जुटी पुलिस। एंटी क्राइम टीम और अलीपुरद्वार थाने के पुलिस ने अभियान चलाकर 6,33,000 रुपए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त नोटों में 1,33,000 जाली नोट। फांसी देवा के सैदाबाद में चार पहिया वाहन और बाइक के बीच टक्कर, घटना में एक व्यक्ति घायल। सिलीगुड़ी के रथखोला स्पोर्टिंग क्लब ने खम्ब पूजा के माध्यम से शुरू की दुर्गा पूजा की तैयारियां। इस वर्ष क्लब का विशेष आकर्षण बर्निल रहेगा। सिलीगुड़ी के रथखोला नवीन संघ ने खम्ब पूजन के माध्यम से शुरू की दुर्गोत्सव की तैयारियां। हर साल की तरह इस साल भी विशेष आकर्षण। रक्त की किल्लत को दूर करने सिलीगुड़ी बंधव संघ के संचालन में और लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैत्री के सहयोग से रक्तदान शिविर और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। 3 दिन पहले नक्सलबाड़ी के हाथी घिसा से चोरी हुई अदरक लदी पिकअप वैन बिहार से बरामद। इस घटना में एक युवक को शनिवार की देर रात नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने खोरीबाड़ी से किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव के दौरान राजगंज के जुम्मागंज बूथ पर राजनीतिक संघर्ष से प्रभावित परिवारों को निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक समिति ने दी मदद। घर बनाने के लिए दिया गया टिन और एक बीमार महिला के इलाज के लिए दी गई आर्थिक मदद। बागडोगरा भुजियापानी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के मध्य मदारीहाट इलाके में देर रात जंगली हाथी ने 2 दुकानें और 1 घर को किया क्षतिग्रस्त। शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग में सिलीगुड़ी संगठनिक भाजपा युवा मोर्चा के तरफ से निकाली गई रैली। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर और मेयर के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे रैपिड टाइम्स।